हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल विद जहर उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे एंड आई एम सो सॉरी आज की वीडियो मैं काफ़ी अरसे के बाद अपलोड करने जा रही हूँ बट एनी आज की वीडियो कुछ नहीं बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये हमारा सीजनल फ्रूट आजकल स्ट्रॉबेरीज हर जगह नजर आती हैं तो मैंने सोचा कि स्ट्रॉबेरी केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए तो चलें हम सबसे पहले अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं सबसे पहले मैंने एक मोल लिया उसको मैं ऑयल से ग्रीस करूँगी ताकि हमारा केक जब बेक हो वो साथ मोल्ड के चिपक ना जाए सो so गायस अब हमारा जो मोल्ड है केक का इसको अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल की मदद के साथ और अब मैंने बटर पेपर लिया उसको आ, उसी अपने मोल्ड के हिसाब से कट कर लिया बटर पेपर को अब मैं उसमें सेट कर रही हूँ नाव हमारे पास जो स्ट्रॉबेरीज थी उसके मैंने लीव्स कट कर दिए हैं और साइड पे रख देंगे इसको हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो डन हो गया मोल्ड वाला और अब मैंने एक देश का लिया इसको मैं प्री हीट करूंगी इसमें मैंने नमक डाला है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे नमक का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है क्योंकि मैं जब भी केक बनाती हूँ तो इसी नमक को री करती हूँ अब मैंने इसमें एक स्टैंड डाल दिया अपना चूल्हे वाला और इसको कवर करके पाँच से छः मिनट तक तेज़ आंच पे जो है मैं प्री हीट करूँगी इस देशकी को अब मैंने जो है एक कप चीनी का लिया और जूसर में डाल रही हूँ और थ्री फोर्थ कप जो है वो ऑयल के लिए वो भी जूसर में ऐड करूँगी थ्री फोर्थ कप मीन्स एक कप से थोड़ा सा कम तीन से चार चौथाई और अब मैंने इसमें तीन अंडे ऐड किए और इसको अच्छे से मैं ब्लेंड करूंगी ताकि ये सारी चीजें जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं ब्लेंड हमारा मिक्सचर हो चुका है अब मैं इसमें डालूंगी अपनी फेवरेट चीज स्ट्रॉबेरीज आई होप ये आप सबकी भी होंगी और इसको अच्छे से दोबारा से ग्राइंड करेंगे जब तक ये स्ट्रॉबेरीज इस मिक्सचर में अच्छे से ऐड ना हो जाए इस केक की एक ख़ासियत ये भी है कि इसमें हमने कोई फूड कलर का यूज़ नहीं किया अब ये हमारा जो मिक्सचर है केक का रेडी हो चुका है अब मैंने इसमें लिया एक बाउल में वन कप मैदा और टू टीस्पून बेकिंग पाउडर अब हमारा जो लिक्विड मिक्सचर बैटर बना हुआ था केक का उसको मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर लिया यानी कि मैदा और बेकिंग पाउडर में अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी एंड मेक श्योर कर लीजिएगा गाइस कि इसमें कोई गुठियाँ ना रह जाए अगर गुठलियाँ रहीं तो हमारा केक जो है ना वो अच्छा नहीं बनेगा तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम अपने मोल्ड में शिफ्ट करेंगे इसको सो so गाइस अब हम अपने केक को जो है वो देचकी में प्री हीटेड देचकी जो थी हमारी उसमें डाल रहे हैं और इसको हम रखेंगे 40 टू 45 मिनट्स के लिए लो से मीडियम आंच पे ठीक है आफ्टर 45 मिनट्स हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है अब मैं नाइफ के साथ आपको चेक करवाऊंगी कि हमारा ये केक जो है अंदर से कच्चा बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारी नाइफ जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है तो इट मीनस हमारा केक जो है वो परफेक्टली बेक हुआ है Thank you so much guys for watching my videos. Don't forget to subscribe, like, share with your loved ones. Till next video, Allah Hafiz.